नमस्कार, मैं रामेश्वर पांडे। दोस्तों, आज मैं अपनी बात शुरू करने के पहले आपको एक घटना की याद दिलाना चाहता हूँ। अरविंद सिन्हा याद है आपको? आज के ठीक 8 साल पहले बरेली में अरविंद सिन्हा सड़क के किनारे मिली, रेलवे लाइन के किनारे मिली थी, पैर कटे हुए थे। वो CRPF का इम्तहान देने अंबेडकर नगर से दिल्ली जा रही थी। निजामुद्दीन एक्सप्रेस में ट्रेनों में लूटपाट हुई। अरुणिमा लुटेरों के साथ जूझ गई, संघर्ष किया, लुटेरों ने उसे ट्रेन के बाहर फेंक दिया। अरुणिमा तो बच गई, पैर कट गए, लेकिन उसने अपनी जीविका के साथ हिमालय को भी झुका दिया। लेकिन यह किस्मत दिल्ली की मनीषा को नहीं हासिल हुआ। 3 अगस्त की रात है, वही ट्रेन है। दिल्ली निवासी दिलीप की पत्नी मीना, बेटी मनीषा और बेटा आकाश निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, से कोटा बेटी को दाखिला दिलाने जा रहे थे आगरा के पास लुटेरे। अरुणिमा के समय तो जनरल बोगी में लूटपाट हुई थी, ये लूटपाट इसी सेकंड में हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना दुस्साहस बढ़ गया है। माँ बेटी भी बिल्कुल अरुणिमा की तरह ही जूझी और लुटेरों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अरुणिमा तो बच गई, अपने कटे पैर के साथ जिंदगी की जंग लड़ रही है, लेकिन मनीषा और उसकी माँ नहीं बच पाई। बगल से आती हुई ट्रेन ने उसे रौंद डाला। इस घटना को जितनी सुर्खियां मिलनी चाहिए थी, जितने प्रमुखता से अखबारों में और मीडिया चैनलों में जगह मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। लेकिन ये घटना दिल दहलाने वाली है। ये हमारे रेलवे की सुरक्षा के साथ ही लोगों की संवेदनहीनता को उजागर करती है। उस ट्रेन में बहुत सारे यात्री थे, लेकिन माँ बेटी के संघर्ष में कोई साथ नहीं था। दूसरी तरफ हमारे रेल मंत्री ट्रेनों में सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अत्याधुनिक संसाधनों को जुटाने की बात कर रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ गई है। यह घटना उनके दावे पर सवाल करती है और साथ यात्रा करने वालों के संवेदनहीनता पर भी सवालिया निशान लगाती है। दोस्तों, हम ऐसी घटनाओं से बार बार एक सबक लेते हैं, दावे करते हैं, सुरक्षा की चिंता करते हैं और फिर भूल जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर सुपरफास्ट निजामुद्दीन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में सेकेंड एसी में इस तरह आगरा जैसे शहर के पास इस तरह खुलेआम ट्रेन लुटेरों का तांडव हो, तो भला कौन शरीफ आदमी ट्रेनों में जाना चाहेगा। दोस्तों, यह घटना हमारी आपकी सबकी संवेदनाओं को झकझोरने के लिए काफी है। सोचिए और कम से कम अपना गुस्सा सत्ताधीशों तक जरूर जाहिर करिए, जो भी आपके पास माध्यम हो।
ट्विटर है, फेसबुक है, पत्र है, ये रुकना चाहिए। ट्रेन लुटेरों का ये तांडव कौन रुकेगा? ये प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। और मैं तो कहूँगा उस ट्रेन में सफर करने वाले सहयात्रियों की भी जिम्मेदारी थी कि वो लुटेरों से लोहा लेते। दोस्तों, जल्दी ही अगली बार फिर ऐसे ही किसी संवेदनशील मुद्दे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।